हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 18 दिसंबर 2018 वार मंगलवार। साथियों, ये करंट अफेयर्स आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल आपने करंट अफेयर्स के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। यदि आप राजस्थान जी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान अकेडमी पर लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कॉम्पिटिशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। इंडिया अनाउंस्ड ए $1.4 बिलियन पैकेज फॉर द मालदीव्स टू मीट इट्स इमीडिएट बजटरी एज वेल एज सम मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड द पैकेज दैट इंक्लूडेड सॉफ्ट लोन्स आफ्टर टैक्स विद विजिटिंग मालदीव्स प्रेसिडेंट इब्राहिम सोले इन न्यू दिल्ली। भारत ने मालदीव के लिए तत्काल बजटीय और कुछ मध्यम अवधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए $1.4 बिलियन पैकेज की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैकेज की घोषणा की, जिसमें नई दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोली के साथ बातचीत के बाद सॉफ्ट ऋण शामिल है। नेक्स्ट, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क एंड्रेस सैमुअल arrived in New Delhi on a 2-day official visit to India. Mr. Samuel will meet External Affairs Minister Sushma Swaraj. Denmark के विदेश मंत्री Anders Samuelsen भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुँचे। श्री Samuelsen विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात करेंगे। Next, the indigenously developed Kaiga Atomic Power Station in Karnataka has set a new world record with one of its unit operating uninterrupted for more than 940 days. कर्नाटक में स्वदेशी विकसित कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन ने एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। इसकी इकाइयों में से एक 944 दिन से अधिक समय तक निर्बाध है। इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचार। द यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2018 वाज हेल्ड रिसेंटली इन केटो वाइस पोलैंड। संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2018 हाल ही में केटो वाइस पोलैंड में आयोजित किया गया था। आइए बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। प्रोड्यूसर अशोक अमृतराज वाज ऑनर्ड विद द फ्रेंच नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। निर्माता अशोक अमृतराज को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट के फ्रेंच नाइट के साथ सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, अमेरिकन सीरीज हैज बीन अक्राउंड मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 एट ए पैगनेंट हेल्ड इन द फोर्ड सिटी ऑफ न्यू जर्सी। इंडियन अमेरिकन श्री सैनी को न्यू जर्सी के फोर्ड सिटी में आयोजित एक पेजेंट पर मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का ताज पहनाया गया। नेक्स्ट, द नीति आयोग द 3rd edition ऑफ द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2018 एंड लॉन्च द अपग्रेडेड पोर्टल ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP। नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2018 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया और महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म WEP का उन्नत पोर्टल लॉन्च किया। नेक्स्ट, फिलीपींस कैट्रियोना ग्रे हैज बीन क्राउन्ड मिस यूनिवर्स 2018 बिकमिंग द फोर्थ वुमेन फ्रॉम द कंट्री टू विन द टाइटल। फिलीपींस के कैट्रियोना ग्रे को मिस यूनिवर्स 2018 का ताज पहनाया गया है। वह देश से ये खिताब जीतने वाली चौथी महिला बन चुकी है। नेक्स्ट, रनिल विक्रम सिंघे वाज स्वोन इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका बाय प्रेसिडेंट मैत्रीपला सिरिसेना दस ब्रिंगिंग एन एंड टू द वीक्स लॉन्ग पॉलिटिकल क्रिस इन द कंट्री। श्री रनिल विक्रम सिंघे को ने राष्ट्रपति मैत्रीपला सिरिसेना द्वारा श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस प्रकार देश में सप्ताह भर के राजनीतिक संकट को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, कांग्रेस अशोक गहलोत स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान एंड सचिन पायलट स्वर्न एज द
डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान वाइल पार्टी लीडर कमलनाथ टुक ओथ एज द सीएम ऑफ मध्य प्रदेश एंड भूपेश बघेल एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। कांग्रेस के अशोक गहलोत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली तथा सचिन पायलट ने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, जबकि पार्टी नेता कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट अपॉइंटेड रामपाल पवार एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB एंड IPS ऑफिसर फ्रॉम द वेस्ट बंगाल कैडर। मिस्टर पवार वाज जॉइंट सेक्रेटरी इन NATGRID। सरकार ने रामपाल पवार को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया। पश्चिम बंगाल के कैडर से एक IPS अधिकारी श्री पवार NATGRID में संयुक्त सचिव थे। नेक्स्ट, स्पोर्ट न्यूज खेल समाचार। इन हॉकी, बेल्जियम हैज क्लेम्ड देयर फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप टाइटल। दे डिफीटेड द नीदरलैंड इन ए ड्रामेटिक शूट आउट इन द फाइनल ऑफ द मैंस वर्ल्ड कप इन भुवनेश्वर, ओडिशा। हॉकी में बेल्जियम ने अपना पहला विश्व खिताब जीता है। ओडिशा के भुवनेश्वर में पुरुषों के विश्व कप के फाइनल में उन्होंने नाटकीय शूट आउट में नीदरलैंड को हराया। नेक्स्ट, पीवी सिंधु मेड हिस्ट्री बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन द सीजन एंडिंग BWF वर्ल्ड टूर फाइनल टूर्नामेंट। पीवी सिंधु ने सीजन के अंत में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास बनाया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट करें, और यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।